So guys, अभी सुबह सुबह पोहा बना था. आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कमेंट्स करके कैसा है, बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता. वो सिंपल तरीके से बनाया था बिना मिर्ची, और बट एक मिस्टेक हो गई कि मैं उसमें मिर्ची डालना भूल गई थी. बट कोई बात नहीं, बाद में फिर से दोबारा कर लिया था. बट अच्छा बना था, जैसा भी था सिंपल तरीके से बनाया था. हमारे यहाँ प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, यहाँ पर भी नहीं खाते हैं, लेकिन जब भी मेरा घर कभी भी होगा जब भी, तो मैं वहाँ पर ऑनियन खाया करूँगी. क्योंकि क्या होता है ना कि ये लोग शुरू से नहीं खाते, तो किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते हम, ना मम्मी पापा का ना उधर मम्मी पापा. सो आज मैंने ये पिंक कलर का डाला है. ये मैं दो लेके आई थी, एक से विशाल से और ट्राउज़र लेके आई थी. अभी अभी आपने देखा होगा मैं कपड़े डाल रही थी, तो ये लूज़ लूज़ है तो अच्छा है ना, कम्फर्टेबल लग रहा है. घर में पहनने के लिए कोई ख़राब नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, कम्फर्टेबल फील करा रहा है. सो पोहा बना लिया था, खा लिया था. उसके बाद अभी 12 समथिंग बज रहे थे, तैनी को नहला के सुला दिया, फिर मैं भी नहा ली, कपड़े भी धो के डाल दिए. और क्योंकि जैसे बताया कि घर में गेस्ट आ रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं नीचे, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मेरे को कुछ करने का, तो फिर मैं ऊपर आ गई हूँ वीडियो शूट करने के लिए रेडी हो गई. पिंक पहना है, पिंक लिपस्टिक, पिंक बिंदी है ना, पिंकी पिंक लग रहा है ना सब कुछ. तो आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर. क्या है ना कि छोटी वाली जो बहन है वो थोड़ा इंटरव्यू वगैरह अपना जो ट्रायल होता है वो देने गई है, वो उसका स्कूल में टीचिंग का. तो देखती है आज, अगर उसने बोला था अगर सैलरी ठीक लगेगी तो फाइनल करेगी, वो नहीं ठीक नहीं होगी तो वो नहीं पढ़ाएगी. तो देखते हैं क्या होता है. और वो सुबह ही चली जाती है, हम लोग सो के नहीं उठते 7 बजे, तब तक वो चली जाती है. यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, वो धुलने भी हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं हो पा रहा किसी को. तो टैनी तो सो गई है, और मुझे फिर से भूख लग गई है, जिस तरह भूख लग रही है. सुबह सुबह इनका फ़ोन आया था, बोले कि वो चले गए हैं और वीडियो भी जाने वाला है, मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है. सच में कहीं भी चले जाओ, अपना काम एक ऐसा होता है ना, शेड्यूल थोड़ा हिल जाता है, लेकिन मैंने फिर भी जिस तरीके से कोशिश करके 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, जितने मिनट का भी ब्लॉग हो रहा है उतना मिनट का मैं कर ले रही हूँ, जितना भी हो पा रहा है मेरे से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. बट क्या है ना कि हाथ में तो नहीं है तो कन्फर्म नहीं, मतलब जितना होता है मैं उतना कर रही हूँ, कोशिश यही कर रही हूँ. तो आई होप आप लोगों को पसंद आए, कि समझ लीजिएगा. और आज की वीडियो में देखते हैं, अगर कमेंट्स आते हैं हाउस टूर के तो हाउस टूर भी करा देंगे, और नहीं भी आएंगे तब भी करा ही देंगे. और देखना मेरा घर कैसा है, जैसा भी छोटा मोटा अच्छा ही है, तो प्लीज़ ख़राब मत बोलिएगा. लेकिन देखिए, ससुराल वालों का हाउस टूर क्यों नहीं करा सकती थी, वहाँ यहाँ पर मैं अपनी चला सकती हूँ, वहाँ पर मैं अपनी नहीं चला सकती थी, वहाँ नहीं बोल सकती थी मैं, क्योंकि वहाँ के लोग कैमरे से शाय थे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरा चीज़ कि वहाँ पर जो हम सेकेंड फ्लोर से रहते हैं, वहाँ पर कुछ अलग तरीके से रहते हैं, कुछ मतलब कैसे बताऊँ, जैसे ये मेरा घर है, ये 2 मंजिल है, ठीक है, तो ये सेकंड फ्लोर, वो वहाँ पे घर सेकंड फ्लोर से स्टार्ट होता था, फर्स्ट फ्लोर से नहीं दिखा सकते थे. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, ये कि यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती करके दिखा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, मना कोई नहीं करेगा, तो इसलिए कोई बात नहीं. और मम्मी पुलाव बना रही हैं, और जैसे मम्मी की मौसी वगैरह आई हैं, मतलब मेरी नानी लगती हैं, और मेरी भी मौसी और मेरी भी नानी आई हैं, जो सगी नानी है मेरी, मौसी हैं, ब्रह्मचारिणी मौसी हैं मेरी, उनका नाम हीरा है, ब्रह्मचारिणी मतलब उनको ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है उन्होंने, और नानी है. सो वो लोग हैं, वो अलग खाना बना के खाती हैं, वो शुद्ध खाती हैं एकदम से अलग, वो लोग अलग खाना वाना खा रही हैं. तो उसके बाद अभी गैस किचन में पहुँचा, अभी मम्मी पुलाव बनाएगी, सुबह पोहा बना दिया था. तो बहुत आवाज़ आ रही है, किचर पिचर किचर पिचर. टैनी को बहुत मुश्किल से मैंने सुला दिया शांति में, दूसरे वाले रूम में. ये भी एक रूम है अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे पेंट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, रेडी सब कुछ है बट पेंट नहीं किया, क्योंकि जो ये दीवार है ना, ये इसमें से ना बालू बहुत निकल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था जब बना रहा था.
गर्मी यहाँ पे बाप रे बाप बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर। कल बहुत सारे लोगों ने पूछा था मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं बता दूँ मैं बोधला में ही रहती हूँ, लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता सकती, आगरा में मैं बोधला में रहती हूँ। अगर किसी को मिलना है तो वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ हमें मिलना है। अगर जैसे 4-5 जन हुए तो हम लोग सिकंदरा में मिल सकते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं घर नहीं, लेकिन घर का हम एड्रेस नहीं दे सकते इस तरीके से सोशल मीडिया पर। मैं सिकंदरा पर मिल सकती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर मिलना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और मैंने यहाँ पर ऐसे तरीके से चोटी बना ली है अपनी, छोटी बना ली है, ठीक है। और ड्रेस दिखा देती हूँ आपको एक बार, इस तरीके से टॉप है, नीचे प्लाजो पहना हुआ है मैंने, दिखाती हूँ। प्लाजो नहीं, ट्राउजर पहना हुआ है ये, इस तरीके से स्काई ब्लू कलर में, दिखता नहीं है यार कुछ भी ठीक से। चले मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ओके। तो जो अभी अभी आप लोगों ने देखी थी वो मेरी नानी थी, मामी की बेटी थी। मैं मिलवाती हूँ आपसे, इधर ये मेरी मामी की बेटी है, एक ही बेटी है मेरी मामी की। हाय बोलो। हाय गाइस। हाय गाइस, सबको वो आदत लग गई है हाय गाइस। तो कुछ लोगों ने मुझे भेजे, मेरा आज मेरे साथ सच में इतना बड़ी बेवकूफ़ी वाली काम हो गया, इतना बड़ा पता नहीं कैसा हो गया कि वीडियो अपलोड हो गया। अपलोडिंग के बाद में मैं वीडियो को शेयर करती हूँ कम्युनिटी टैब में, तो वहाँ पर शो हो रहा था कि दो दो वीडियो शो हो रहे थे, ये कुछ तो दो दो वीडियो शो हो रहे थे, तो एक में तो मतलब नॉर्मल पब्लिक दिखा रहा था, एक प्राइवेट दिखा रहा था, तो मैंने वो वीडियो डिलीट किया। मतलब पब्लिक भी हो गया, 10 मिनट भी हो गए, कमेंट्स भी आ रहे थे, व्यूज़ भी आ रहा था, सब कुछ था, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे ऐसे हो गया कि मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। वो मुझे नहीं पता था कि दो क्यों शो हो रहे थे, वीडियो डिलीट करने के बाद मेरा वीडियो ही डिलीट हो गया। मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट दिखा रहे थे वो दोनों एक ही थे, पर पता नहीं क्यों दो दो दिखा रहे थे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, तो मेरा वीडियो डिलीट हो गया। सच में इतना बड़ा ख़राब काम मैंने पहली बार शायद ऐसा क्या होगा, ऐसे कैसे करते हैं कुछ समझ में ही नहीं आया। और इसलिए लोगों के मैसेज आ रहे थे वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, तो फिर मेरे चार अपलोडिंग, यहाँ पे नेट इतना स्लो चल रहा है कि अपलोडिंग में 2 घंटे लग गए, मतलब 2 बजे से फिर दोबारा अपलोडिंग करी, 4 बजते पूरा अपलोडिंग करने के बाद एडवर्ट लगा के तैयार किया, तो 4 बजे जाके मेरा वीडियो अपलोड हुआ, अपलोड होने के बाद अभी पब्लिक हुआ है।
सच में जान में जान आई है, 4 बजे हो गया, कोई बात नहीं 2 घंटे लेट हो गया, लेकिन फिर कमेंट्स आए उस वीडियो पे कि ये जो इयररिंग है मेरे ये आर्टिफिशियल हैं और मैं इनको गोल्ड के बता रही हूँ। तो ठीक है भैया मेरे आर्टिफिशियल हैं, मैं गोल्ड के बता रही हूँ, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल होते तो मैं ट्रेन में भी पहन के आ सकती थी। ये देखिए ये गोल्ड के हैं, और जब मैं लास्ट ईयर इससे पहले नहीं उससे भी पहले लगवाई थी तब बनवा के लेके गई थी मैंने इनको, ये और ये दोनों साथ में ही बनवाए थे। मैं पहनती कम हूँ क्योंकि टेनिक खींच देती है, आप लोगों ने देखा ही होगा मैं इयर रिंग ही कम पहनती हूँ। सो, वो जो अभी देखी आपने, नानी भी थी, नानी मौसी वगैरह भी आई हैं, तो नानी अपनी मसाज कर रही थी पैर की, उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाता है तो मसाजर आती है एक, तो उससे मसाज हो जाती है, तो वो मसाज कर रही थी। और चाउमीन की खुशबू आ रही है क्योंकि बगल में एक चाउमीन स्टॉल ओपन हो गया है, खुशबू आ रही है, चाउमीन खाने का मन कर रहा है। और पेनी रेडी हो गई है अपने बड़ा स्टाइल से, देख फिर से पानी खुल रही है, देख देख देख, एक काम कर सुन, फिर खोल दी लड़की, एक काम कर वो बाल्टी में ना भाई पूरा खाली कर दे, वो नल वो खोल दूंगी, पहले तो बाल्टी में पूरा पानी निकाल, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। ये देखो हमारी शैतान तेनू, हाय गाइस, बोले हाय गाइस, मुझसे बोलो तेनू का चैनल पे भी कोई वीडियो जा ही नहीं पा रहा, देखती हूँ कल जाएगा शायद, तेनू ने मस्ती वाला डांस किया है। ये देखो हक कर रही है, गुच्छो गुच्छो पागल दो, सबको फ्लाइंग किस दे दो। जब से टैनी का चैनल हुआ टैनी इस चैनल पे कम आने लगी है ना टैनी, है ना तैयार हो गई छुट्टी उठी करा के, ये देखो छुट्टी उठी करा के तैयार हो गई, ये देखो टैन का ये स्टाइल, अरे वाह, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बोल दो, बाय, अच्छी नहीं करो बाय। कांची कपूर है मेरी सब्सक्राइबर जिनका 11 तारीख को बर्थडे, यानी कि कल जब आप ये लोग वीडियो देखोगे मैं बताना और बोलना दोनों ही भूल गई, सॉरी कांची कपूर। तो विश यू हैप्पी 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 बर्थडे, मैंने मैंने रिटर्न ऑफ द डे, आपको सारी दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, जो आप चाहो वो आपको मिल जाए। एंड हाँ टैनी क्यों मार रही हो, क्या क्या है क्या,
हाँ चल रहे हैं, चलो टैनी परेशान कर रही है, चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। एंड सॉरी कांची, आज 10 तारीख है ना, आपका 11 का बर्थडे यानी कि कल बजे, तो आपको मिल जाएगा। अभी कमेंट फिर से आया तब मुझे पता ही चला। चल रहे चल रहे चल रहे, मैं इसको लेके जाती हूँ। इवनिंग गाइस, टैनी घूम रही है बाहर। टैनी इधर आ, इधर लेके आ। शाम हो गई है, शाम के 6:30 समथिंग बज रहे हैं। ये देखो नोई नोई टेनी डॉगी। मैं बाहर गेट पे बैठी हूँ और वीडियो एंड भी करना था मुझे, सो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। टेनू बाय बोल दो, चलो बाय बोल, नहीं अरे कपड़ी बोलो बाय। सो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बोले लाइक सब्सक्राइब करना, अंडरस्टैंड, बोले अंडरस्टैंड, लाइक सब्सक्राइब करना। सो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों को, मुझे पता था ऐसा ही होगा तो वो हो रहा है, बट कोई नहीं, लोगों का काम है, कब तक देखते हैं कब तक कहेंगे, कहने दीजिए, उन लोगों का काम है। और अभी मैं खाना बन रहा है, अभी खाने में बन रहा है गोभी आलू की सब्ज़ी, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय। अच्छा छोड़ दी, बाय बोल दो, अच्छा ऐसे बाय बोल, बाय, लव यू, चलो जाओ, टाटा, जाओ खेल लो, चले बाय।